जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विकास खान है, मेरी सेल्स मैनेजर ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। जैसे पहले जिक्र किया गया था कि हम लोग एक नंबर ऑफ सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे होंगे और उन लोगों को हम यहाँ पे दावत देंगे ताकि वो अपने बारे में बताएं और लोगों को बताएं कि वो किस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं ओरिफ्लेम में। सो उसी सीरीज़ में एक और एडिशन है आज की सीरीज़ का, जिसमें हमने एक और हमारी बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर स्किल्स रखने वाली खातून को यहाँ पे दावत दी है। उनका नाम बल्कि उन्हीं से पूछते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो बताइए कौन हैं आप, क्या हैं आप? थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं यहाँ पर आज हम लोगों तक कुछ अपना मैसेज पहुँचा सकती हूँ। थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम साइमा मोहसिन है और मैं इस वक्त जो है डायरेक्टर टाइटल पर हूँ। 6 साल पहले मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़े अच्छे टाइटल पर हूँ और बड़ी सक्सेसफुली ओरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो टाइटल आपने बता दिया कि आप डायरेक्टर टाइटल। सिंस अभी साल चूंकि स्टार्ट हुआ है, इट्स फेब्रुअरी और हर एक इंसान की न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई होती है, वो साल के लिए कोई ना कोई अपना टारगेट सेट करता है। सो व्हाट इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? जब कंपनी ने अनाउंस किया उम्र का, तो मुझे क्योंकि रेजोल्यूशन तो मेरा बहुत पुराना था कि मैं करूंगी, लेकिन पता नहीं अल्लाह को भी मंजूर नहीं था। लेकिन जब कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की असली उमरा की, तो मेरे लिए ये रेजोल्यूशन ही बन गया कि मुझे उमरा अपना विन करना है और अपने साथ और भी अपनी टीम मेंबर्स को विन कराना है। तो ये मेरा इस वक्त का रेजोल्यूशन है, अल्लाह करे कि ये मेरा पूरा हो जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। हम लोग आपको पूरी सपोर्ट भी करेंगे एज बिफोर। अगर मैं आपसे पूछूं ओरिफ्लेम को अभी तक आपने कैसा पाया? सर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वैसे तो मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि ओरिफ्लेम मेरे लिए एक नेमत से और एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। कि पाकिस्तान में रहते हुए मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली और इस तरह का कि मैं एक जो इंसान, एक आम इंसान जो ख्वाहिश करता है कि उसका कैरियर भी हो, उसके पास पैसा भी हो, उसका एक नाम हो, एक कामयाब इंसान हो और एक भरपूर लाइफ गुजारे, तो ओरिफ्लेम ने जब मुझे सब कुछ दिया तो मैं ओरिफ्लेम को किसी ब्लेसिंग से कम कैसे समझ सकती हूँ। और एक सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत बात, जिसने मुझे एक आम इंसान से खास इंसान बनाया, तो मैं ओरिफ्लेम को इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मैंने ओरिफ्लेम को अपने लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझा, बहुत बड़ी। वेरी नाइस, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ओरिफ्लेम एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो आप जैसी खवातीन हैं, जो स्किलफुल हैं बट उनको पॉलिश नहीं कर पा रही हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही होती। मैं अगर आपसे पूछूं कि वो अपॉर्चुनिटी भी थी, स्किल्स भी थी आप में, आपने अपने आप को पॉलिश भी किया, ग्रूम किया, लेकिन वो क्या एक खास चीज़ क्या थी? व्हाट वाज द वन की सक्सेस फैक्टर जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया? सर शुरू से एक मेरा जुनून था काम करने का। अच्छा, मैं किसी भी चीज में होती ना तो मैं जुनून के साथ काम करती, और ये ही जो मेरा पैशन और मेरा जुनून और मेरा, बस आप समझ लें कि मैं जिस काम में हूँ मैं उसमें जुनून के साथ काम करती हूँ, कि एग्रेसिव होकर काम करती हूँ तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। और ये मेरा ख्याल है कि अगर किसी भी फील्ड में आप अपने शौक भी हो आपका और आप में जुनूनियत भी हो, तो फिर आप कामयाब, बिल्कुल आप कामयाब हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और वो पैशन ही आपको लेके जाता है और यही वजह है कि और कामयाब होना, जुनूनी लोग हमेशा जो है, कामयाब लोग हमेशा जुनूनी होते हैं, ये जरूर आप लोगों को मैसेज। बिल्कुल ऐसे है, और हमारी कामयाबी के पीछे, ओरिफ्लेम की कामयाबी के पीछे हमारी कोर वैल्यू भी है और वो एक पैशन भी है, जिसमें टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन, और तीनों ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं आपकी सक्सेस के पीछे एक सक्सेस फैक्टर है, आपकी फैमिली में कौन कौन है और कितना उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपकी फैमिली ने, जो आप आज यहाँ पे मौजूद हैं? फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, और जब मैंने ज्वाइन किया था से 6 साल पहले, उस वक्त तो वो कुछ छोटे बच्चे थे और उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनको स्कूल छोड़ना लाना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती थी। छोड़ते तो हस्बैंड ही थे लेकिन लेती मैं खुद थी उनको। तो अब तो माशाल्लाह वो ग्रोन अप बच्चे बन गए हैं, और बड़ा बेटा माशाल्लाह से मेरा लॉ कर रहा है, बेटी मेरी ICS कर रही है, बेटा मेरा O2 में है, O-levels कर रहा है, और हस्बैंड उन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया कि मुझे हर वक्त जो है आने जाने में, क्योंकि कोई मेरे नहीं था, खलल नहीं था, रुकावट नहीं थी, तो यही उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए। दैट्स वंडरफुल माशाल्लाह। मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप ओरिफ्लेम में ना होती तो आप क्या? मैं कुकिंग एक्सपर्ट होती और मैं इंटीरियर डेकोरेटर होती, क्योंकि मेरे इसमें भी जुनून था मेरा, इन दोनों कामों में,
और मैंने शेफ़ कोर्सेज़ बहुत किए हुए हैं और साथ में इंटीरियर्स के कोर्सेज किए हैं, और मेरा यही था कि मैं अपने इन दोनों बिजनेस में से कोई एस्टेब्लिश करते कोई बिजनेस। एस्टेब्लिश बिजनेस करी, वेरी वेरी नाइस। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर भी थी, आपने शेफ प्रोफेशनल शेफ भी आपने कोर्सेज किए हुए, तो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? वैसे तो मैं सारा कुछ बहुत अच्छा बना लेती हूँ, चाइनीज, देसी, वलैती, सब कुछ, और लेकिन जो मेरी अपनी फेवरेट डिश है वो आलू गोश्त और साथ में पुलाव हो और साथ में अचार हो। वेरी नाइस। और आप बनाती भी सबसे मैं अच्छा बनाती नहीं, सारा कुछ मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। ऑब्वियसली और प्रोफेशनल लोग शेफ। मुझसे फरमाइश करके, इवन के मैं निहारी पाए हरीसा आपके अमृतसरी को भूल जाए अगर। चलें, दैट्स वंडरफुल जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सब कुछ आप बना लेती हैं, तो वो लोग जो पाकिस्तान में अभी हैं या पाकिस्तान में रहते हुए किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो क्या मैसेज होगा आपका उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, और हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? सर, ऐसा है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए तो आपको अवेल जरूर करनी चाहिए उसको। देखिए, आज से 6 साल पहले जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, अगर मैं सोचती हूँ कि मैं उस वक्त ये स्टेप ना लेती, अगर उस वक्त मैं ये डिसीजन ना लेती कि मैं इसको ज्वाइन करूँ, कर देखूँ तो सही है क्या। और सबसे बड़ी मजे की बात थी इसमें, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही थी, कुछ ऐसा नहीं था, मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट्स मिल रही थी, मैं प्रोडक्ट यूजर ही आई थी, तो लेकिन फिर भी मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया बगैर किसी सोचे समझे कि मैं करूं या ना करूं। हमारे जो लोग सोचते बहुत हैं वो कुछ नहीं करते जिंदगी में, और वो सोचते ही रह जाते हैं, और जो लोग हर यही सोचते रहते हैं कि वो करूं, आज हर रोज उनका डिसीजन जब बदल जाता है तो वो किसी एक चीज पे स्टक नहीं रहते। जो आपका डिसीजन है, डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको फौरन लेना चाहिए आपको डिसीजन। डिसीजन जो लोग जल्दी लेते हैं तो वो लोग कामयाब हो भी सकते हैं। तो इसलिए जो लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और चाह रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटी को, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस वक्त पाकिस्तान में आप लोगों को नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं, खवातीन का फ्यूचर पाकिस्तान में, वो जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लोगों को स्किलफुल करने की बात की जाती है, खवातीन को उनकी जो लेजिटिमेट आज़ादी है उसकी देने की बात की जाती है, तो ओरिफ्लेम किस तरह से उनको एम्पावर कर रहा है एक खातून को? जिस तरह एक आम हाउसवाइफ आती है यहाँ पर, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसके पास ग्रूम्ड नहीं है, वो जिसको बोलना भी नहीं आता पहले दिन, मैंने उन खवातीन को यहाँ ओरिफ्लेम में चेंज होते हुए देखा है। आज मैं अगर अपनी आपको एग्जांपल दूं, तो आज से 6 साल पहले मैं जो थी, आज मैं वो नहीं हूँ। मुझे ओरिफ्लेम ने इतना ग्रूम्ड किया है, ओरिफ्लेम ने मुझे इतना स्किलफुल किया है, मेरी स्किल्स जो थी अंदर की उनको बल्कि निखारा है। हर इंसान में स्किल होती है ना, हर हिडन होती है, हम उसको निकालते नहीं है, हेजिटेट करते हैं। और जो हमारी यहाँ की हाउसवाइफ है, वो अपने जब अपने घरेलू लाइफ में इतना बिजी हो जाती है कि वो अपने आप को भूल जाती हैं। तो इसलिए उनके लिए तो मेरा ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा एक बहुत जबरदस्त मैसेज है। जिस तरह आजकल के हालात में फीसेस बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स आप लोगों पर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, आपकी ट्यूशंस पर, आपकी स्कूलिंग पर, आपकी जो है कॉलेज के खर्चे, फिर आपके छोटे मोटे बच्चों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, कभी दोस्तों के साथ आपने डे आउट करना है, कभी आपके फोन के बैलेंस होते हैं, कभी कुछ होते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा अगर अपने पेरेंट्स का ख्याल कर सकते हैं, जिस तरह बाहर के मुल्कों में हमें पता है कि 16-17 साल की उम्र से ही बच्चे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं, तो पाकिस्तान में अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो अपनी पॉकेट मनी बना सकते हैं, अगर उनको 7-8 हज़ार महीना मिल जाता है तो इसमें क्या बुरा है, जिसमें वो अपनी जो है वो नीड को पूरा कर सकते हैं, अपने इवन और कुछ तो कॉलिंग कार्ड्स ले सकते हैं, आप बच्चों के साथ आप बाहर फिर सकते हैं, जिसपे आपके वालदैन पर बर्डन नहीं। पॉकेट मनी अपनी बनाए इस एज में, पॉकेट मनी बनाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो इनको भी पैसे की अहमियत का पता चलेगा कि पेरेंट्स किस तरीके से इनके लिए हम लोग करते हैं बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स को भी ये ख्याल होना चाहिए, सिर्फ अपनी पॉकेट मनी बनाए और अपनी इंजॉय करें उस टाइम, वो यही बेनिफिट भी हो जाता है कि वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी उनमें आ जाती हैं, स्किल्स, और हर एक को ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, आपको बहुत सारी स्किल्स आती हैं। कल आपने जब प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट्स जाते हैं, उनके लिए ये स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगी उस फील्ड में। बिल्कुल ठीक है। वो जैसे अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे थे, स्किल की डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, तो बहुत सी खवातीन बेसिकली हेजिटेंट भी होती हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाती या उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, उन खवातीन को किस तरह से ओरिफ्लेम सपोर्ट करता है?
यहाँ पर मैं फिर बहुत ज्यादा एक तो ओरिफ्लेम की बहुत थैंकफुल हूँ, और सबसे ज्यादा जो है मैं अपने आप को बहुत फखर के साथ ये प्राउडली ये बात करती हूँ कि ये जो बिजनेस मैंने किया है ये अपने ओन पर किया मैंने। मैं सेल्फ एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने ये फखर से बात करती हूँ कि मेरे पीछे किसी ने मुझे कोई चलता कारोबार नहीं दिया, मेरे किसी बड़े ने या किसी ने भी मुझ पे सरमाया नहीं खर्च किया। मैंने ये बगैर सरमाए के, बगैर इन्वेस्टमेंट के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और इस बिजनेस को मैंने अपने ओन पर खड़ा किया और कामयाब किया। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं नहीं भी कुछ करती तो मुझे यहाँ से इतनी अच्छी इनकम आ जाती कि मेरी जिंदगी बहुत आसानी से और बड़ी अच्छे तरीके से गुजर सकती है। तो वो खवातीन के जो सोच रही हैं अभी कुछ करने का कि हमें कुछ करना है, या किसी सरमाए का इंतजार कर रही हैं, या उनके पास जो है कुछ करने को है लेकिन वो करना नहीं चाह रही हैं, सिर्फ इसी इंतजार में कि पैसा आएगा कहीं से तो काम करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बगैर पैसों के काम है और घर रह के आप लोग काम कर सकते हैं। और मैं ओरिफ्लेम की बहुत थैंकफुल हूँ, और उन दो भाइयों की, उन फाउंडर्स की जिन्होंने ओरिफ्लेम की बुनियाद रखी और इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए, और पूरी दुनिया में 67 कंट्रीज में इस वक्त ओरिफ्लेम लोगों की जिंदगी को चेंज कर रहा है, लोगों के ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, उसमें से मैं भी एक हूँ। और हमारा क्योंकि पूरे एक अगर कंट्री में रूल है तो पूरे 67 कंट्रीज में उसी तरह की डुप्लीकेशन हो रही है। तो उन दो भाइयों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ओरिफ्लेम जैसी अपॉर्चुनिटी हम जैसी खवातीन को, हाउसवाइफ को दी, जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, अपने लिए कुछ कर सकती हैं, भरपूर जिंदगी गुजार सकती हैं, और अपनी स्किल्स को, अपने करियर को कामयाब कारोबार कर सकती हैं बगैर पैसों के। और वो मर्द हजरात जो ये सोचते हैं कि कुछ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हमें मिले और उसके लिए भी वो इंतजार करें किसी बैंक से लोन का, किसी सरमाए का, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली आपने जैसे थैंक्स कहा ओरिफ्लेम का, बहुत वो थैंकफुल हूँ बेसिकली जी। उसमें किसी हद तक ओरिफ्लेम मैनेजमेंट का बहुत किरदार है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको देखिए मुझे रनिंग बिजनेस मिला, जो है रनिंग बिजनेस मिला है, लेकिन उसमें सपोर्ट मुझे कंपनी की बहुत थी। कंपनी ने एक मुझे ऑफिस दिया, चलता कारोबार दिया, ये मेरे लिए और किसी ने नहीं किया, ये ओरिफ्लेम ने मेरे लिए किया। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ ओरिफ्लेम की कि जिन्होंने हमें ये सब कुछ बना बनाई, हर चीज मिल गई, सिर्फ ये हमारा अपना पैशन, हमारी अपनी स्पिरिट और हमारा अपना जो है ये अपनी विलिंगनेस होगी तो हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। और आप लोग लकी हैं कि आपको एक चलता कारोबार मिल गया, इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की सपोर्ट और जो बिजनेस की जो ग्रोथ के लिए जो ड्राइवर्स चाहिए होते हैं वो आपको इंशाल्लाह सपोर्ट उसी तरह से मिलती रहेगी, जैसे कि ताहिर साहब हमेशा से हमारे कंट्री जी मैनेजर ये अल्हम्दुलिल्लाह बात करते हैं कि आपको लिजिटिमेट वे में सपोर्ट जो मिलेगी, सपोर्ट वो उसी तरह से मिलती रहेगी, हम लोग भी सपोर्ट आपको करते रहेंगे। आपको जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी उसको एग्जीक्यूट करने में जो प्लानिंग में जो प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग आपको सपोर्ट करते ऑब्वियसली, रहेंगे क्योंकि हम इंशाल्लाह, बिजनेस पार्टनर होते हैं, हम एक दूसरे के साथ जब हमें मिलके प्रॉब्लम्स काम आती है करते कंपनी हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी करती है। बिल्कुल ऐसी है, और इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे मिलके। जैसे अभी बात हो रही थी, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, घर में ही रहते हैं, सो तरह के मसले मसाइल चल रहे होते हैं। खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो घर में रह के अपने सोशल सर्कल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाउसवाइफ्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी इर्द गिर्द उनके हाउसवाइफ्स होती हैं, वो हाउसवाइफ्स के साथ हाउसवाइफ बहुत इजीली बात कर सकती हैं। अब इस काम को अपने सोशल सर्कल से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से स्टार्ट करें। आप लोगों का मिलना जुलना अपने ही करीबी लोगों से होता है। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपने क्लास फेलो से बात करें, अगर आप लोग मर्द हजरात हैं तो अपने सर्कल में बात स्टार्ट करें। आप लोग अपने ही जैसे जब लोगों से बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कामयाब हुई तो मैं हाउसवाइफ्स के साथ ही बात करूंगी और उन्हीं के मुझे प्रॉब्लम्स पता है कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। अगर मैं जॉब कर रही हूं तो मुझे पता है कि जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और मैं अगर इस बिजनेस में कामयाब हुई हूँ जॉब के साथ तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ। तो आप घर में रह के, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और आप सिर्फ अपने सर्कल में काम स्टार्ट करें, हाउसवाइफ के साथ, स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ, जो जॉब कर रही हैं खवातीन वो वर्किंग लेडीज के साथ, इसी तरीके से आप लोग अपने सर्कल में इसको स्प्रेड कर सकते हैं, इस मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। सो थैंक यू सो वेरी मच साइमा। मेरे लिए या जो स्टूडेंट्स के लिए या खवातीन के लिए या कोई भी सेकंड अपॉर्चुनिटी या इनकम को जो तलाश करने के लिए जो प्लेटफॉर्म ओरिफ्लेम प्रोवाइड कर रहा है उसको आपने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें सुना। इस तरह की इंटरव्यूज, इस तरह की बातें हम मज़ीद करते रहेंगे।
कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक आप डायरेक्टली मुझे दे सकते हैं, साइमा तक पहुंचा सकते हैं। आप अगर नोट करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस भी नोट कर सकते हैं, दैट इज़ vikas.hussain@oriflame.com। आप अपनी सजेशन, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी तो अभी आपको मिलाते हैं हमारे ऑफिस के दूसरे लोगों के साथ भी। सो दिस इज आवर इमीडिएट काउंटर, द पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस जे सपोर्ट करते हैं इमीडिएटली। एक और साहिबा हैं हमारी, वालेकुम अस्सलाम आंसा, जो भी सी एस से रिलेटेड मसला होना वो इन साहिबा ने से ही करना है, ठीक है। ओके जी, उसके अलावा दिस इज़ आवर ऑफिस, दिस इज़ आवर ब्रांच, डिस्प्ले सेंटर और ट्रेनिंग रूम में भी चलते हैं, देखते हैं ट्रेनिंग रूम में क्या हो रहा है। एक ट्रेनिंग चल रही है, ओ माय गॉड, ट्रेनिंग्स हो रही हैं। सो साइमा, आप कब ट्रेनिंग दे रही हैं? हाँ, मेरी तो ऑफिशियल ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। ओह दैट्स वंडरफुल। और अपनी जो पर्सनल टीम के साथ भी मेरी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। चलें, दैट्स वंडरफुल जी। आइए अब हम देखते हैं अपना डिलीवरी काउंटर, जहाँ से हमें प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रही होती हैं। सो ये है जी हमारा डिलीवरी काउंटर, जहाँ से हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को ले रहे होते हैं। दिस इज आवर कॉरिडोर। सो डिलीवरी, थैंक यू सो मच साइमा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।